दीर्घ दिनरु धर्मगढ़ उपखंडकु जिला दाबी करि आसुथिले हे सरकार आज जाए दाबी पूरण होइ नथिबारु आज जिला दाबी बेस जोर धरी ता आंदोलन रूप नेछि। धर्मगढ़ जिला दाबी क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षरु एक विराट सभा करी क्रियानुष्ठान कमिटीर वरिष्ठ कर्मकर्ता माने धर्मगढ़कु जिला दाबी करिबा पई अभिभाषण रखिथिले। ए जिला दाबी संगठन को उपखंडर छात्र संगठक बणिक संघ सांबादिक संगठन सिटीजन फोरम वकिल संघ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कलाहांडी परिवार रो धर्मगढ़ टीम रो कार्यकर्ता सदस्य सरपंच संगठन प्रत्येक राजनैतिक दल ओएएसएफ धर्मगढ़ एपरी उपखंडर अनेक संगठन संपूर्ण समर्थन जनाइथिले। भौगोलिक दृष्टिकोणरु धर्मगढ़ उपखंड एक जिला हेबा पई समस्त योग्य थिले भी सरकार अणदेखा करुथिबारु जनसाधारण तीव्र असंतुष्ट प्रकाश करछंती। सभा पर परे एक विराट रैली करी धर्मगढ़ उपखंड जिला आमर दाबी बोली नारा उच्चारण करी सहर परिक्रमा करी उपजिलापालक कार्यालय पर्यंत जाए धर्मगढ़ अतिरिक्त जिलापाल चिन्मय नायक को मुख्यमंत्री उद्देश्य रे एक दाबीपत्र प्रदान करथिले। वरिष्ठ आईनजीवी सुधीर कुमार पाटजोशी धबी प्रसाद साहू राजेन्द्र मुनि दिगंबर दुरिया सौरभ पानसारी बीरंजी जाल प्रमुख उपस्थित रही धर्मगढ़ उपखंड को जदि जिला मान्यता न दिगले आगामी दिन में तीव्र आंदोलन हो चेतावनी देखते। धर्मगढ़ को जिला मान्यता दाबी आज गोटे सभा होता प्रतिवाद सभा होता प्लस रैली होता यही जो उपस्थापना कराई दाबी धर्मगढ़ को जिला घोषणा करने आम समस्ते ये सामिल होती एटा सर्वदलीय कार्यक्रम होता सबू संगठन धर्मगढ़ जोड़ी होते सबू भित्तिमि थी धर्मगढ़ जिला मान्यता पाइबार जो सब भित्तिमि अच्छी पपुलेसन दृष्टि देखु कि आगु जो चार्टा जिला घोषणा होती देवगढ़ झारसुगुड़ा बौद्ध एवं सोनपुर तार जिते भित्तिमि अच्छी आम धर्मगढ़ उपखंड धर्मगढ़ जो छटा ब्लॉक को लेकिन आम दाबी उपस्थापन करुचु ये भित्तिमि सफिसीयंट अच्छी सब प्रकार भित्तिमि थी आम जो दाबी उपस्थापन करुचु मान्यवर मुख्यमंत्री गोटे भारत सर्वोत्तम मुख्यमंत्री हिसाब से परिगणित होती धर्मगढ़ को आम विगत दिन विज्ञापित अंचल परिषद पर दाबी करूँ ता पूरण कर प्रत्येक कलाहांडीर विकास अनेक भूमिका रही से परिप्रेक्षी आम आशा करुचु धर्मगढ़ को निश्चित भाव में माननीय मुख्यमंत्री जिला घोषणा करेंगे यहाँ आम आशा और भरोसा अच्छी। धर्मगढ़ जिला आम दाबी बहुत दूर भवानीगढ़ बहुत दूर हेबार दाबी कर हाँ धर्मगढ़ को धर्मगढ़ उपखंड को एक नूतन जिला वार मान्यता देवाई आज दायीपत्र आम को दि जाइए जिलापा उच्चतर कोर्ट को पठे दी आज दाबी आम रही धर्मगढ़ गोटे डिस्ट्रिक्ट हिसाब से परिणत हो कारण आम को बहुत असुविधा होेतु भवानीपाटना 60 किलोमीटर्स हो सेठे यूनिवर्सिटी रही आमित हेडक्वार्टर्स भी सही रही तो आमको से कारण बहुत सारा असुविधा होमें चाहूँ जो आम धर्मगढ़ जिला गोटे हो छात्र समाज समर्थन कर हाँ हाँ संपूर्ण भाव कर मो दाबी हूँ जो आम धर्मगढ़ जिला आम धर्मगढ़ जो अच्छी से डिस्ट्रिक्ट परिणत करूँ बहुत असुविधा होज्ञा जेहेतु यहाँ गोटे धर्मगढ़ जिला रही है से चाहू जो धर्मगढ़ गोटे डिस्ट्रिक्ट अनुसार परिणत हो आम प्रमुख दाबी हूँ जो धर्मगढ़ जो उपखंड रही छोटी ब्लॉक अच्छी छोटी तहसील अच्छी से अंचल को लेकर गोटे जिला घोषणा करा जाऊ कारण विगत दिन में देखा 13 जिलार जिते बड़े 30 जिला है जो 17 जिला नुआ जिला भाव में गठन है से जिलार भौगोलिक परिस्थिति जब देखा तार जनसंख्या देखा जाऊ तार आपण क्षेत्रफल देखा जाऊ से आदिवासी दलित मान जनसंख्या देखा जाऊ आईटा जदि कौन राज्य को जो बाउंड्री लगी तार क्राइटेरिया देखा विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट जब देखा आपण तार एग्रीकल्चर जो प्रड्यूस हो तार जो अमाउंट जब देखा क्वांटिटी जब देखा ताहले सबू क्राइटेरिया को फुलफिल करुच्छे धर्मगढ़ सब डिविजन से दृष्टि आम दाबी करुचु धर्मगढ़ को यथाशीघ्र राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री गोटे नुआ जिला भाव घोषणा करन
କାରଣ ଏଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବାର ଐତିହାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡକୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେନ୍ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ସମ୍ମାନଜନକ ବିଚାର ଆଉ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧରମଗଡ଼ ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧରମଗଡ଼ରେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଫିସ ମାନକେ କାମ ପଡ଼ୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସେଟାକି ଭବାନୀପାଟନାକେ ଆଖା ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧରମଗଡ଼ ଯଦି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଧରମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତାକି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ କି ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ ପଦମପୁର 81 ଅଛି 2011 ଗଣନା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧରମଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧରମଗଡ଼ କେ ଅଣଦେଖା କରୁଛେ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ କି ଧରମଗଡ଼କେ କେନ୍ତା କରି ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନରେଶ ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।